वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेमन राइस की रेसिपी। ये रेसिपी साउथ इंडिया की स्पेशलिटी है और लेमन राइस में एक खास बात ये है कि ये एक से दो दिन तक आराम से चल सकते हैं। आप अगर बच्चों का टिफिन पैक कर रहे हैं या आप सफर के लिए कोई रेसिपी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो आप इस लेमन राइस को जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये एक से दो दिन के बाद भी खराब नहीं होंगे और काफी टाइम तक चलते हैं। सो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इस चैनल के थ्रू बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप पैन लें और उसमें डालें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल और उसे गर्म कर लें। जब तेल गर्म हो जाए तब आप इसमें डाल दें राई दाना, उसके साथ सूखी हुई लाल मिर्चें, मैं यहाँ पे 2 से 3 डाल रही हूँ। फिर आप इसमें डालें चना दाल, इसे आपको सोक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप इसमें डाल दें कुछ करी पत्ते और आप चना दाल को अच्छे से रोस्ट कर लें लो टू मीडियम फ्लेम पे। दाल रोस्ट करने के बाद अब आप इसमें डाल दें कटी हुई हरी मिर्चें और इन्हें भी हल्का सा कुक कर लें। फिर आप इसमें डाल दें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। फिर हम इसमें डालेंगे भिगोए हुए चावल। मैंने जो चावल है इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखा था। फिर आप उसका पानी निकाल के पहले इसमें डाल दें आपके भिगोए चावल और इन्हें अच्छे से तड़के के साथ मिक्स कर लें। फिर आप इसमें डालें पानी। हम कढ़ाही में चावल बना रहे हैं तो हमेशा डबल ग्लास पानी लगता है, सो 1.5 ग्लास चावल के लिए यहाँ पे मैंने 3 ग्लास पानी डाला है। फिर आप डालें नमक आपके स्वाद के अनुसार और उसके ऊपर से डाल दें नींबू का रस। मैं यहाँ पे 5 नींबू यूज़ कर रही हूँ, लेमन राइस है तो नींबू तो ज़्यादा ही डलेंगे, सो आप नींबू के रस को भी अच्छे से मिक्स कर लें। और अब आप इसे ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे पानी सूखने तक अच्छे से कुक कर लें। सो 15-20 मिनट के बाद हमारे जो चावलों का पानी है वो अच्छे से सूख चुका है और चावल भी पक चुके हैं। आप चाहे तो ऐसे बीच में करछी से चेक कर सकते हैं। अब फ्लेम बंद कर दें और फोक की हेल्प से चावलों को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लें। आप अगर करछी से मिक्स कर रहे हैं तो हमेशा साइड से करें, क्योंकि अगर आप बीच में से करेंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे। और एट द एंड आप इसमें डाल दें पीनट्स रोस्ट किए हुए और आपके साउथ इंडियन लेमन राइस बनके बिल्कुल रेडी है। देखा कितना आसान है और ये जल्दी खराब बिल्कुल भी नहीं होते, इसीलिए आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, क्योंकि अगर आप इसे ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये कितने ज़्यादा आसान है और कितने टेस्टी। आप इस वीडियो के बाद इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगी कल एक और नई बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।